हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों, स्लाइस कार्ड के बारे में, इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्लाइस कार्ड के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप पहले ये वीडियो देख लो, मतलब आपको पहले ये वीडियो देखना चाहिए, फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि स्लाइस कार्ड आपको लेना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, स्लाइस कार्ड आपको लेना चाहिए कि नहीं, ये डिसाइड करने से पहले मैं आप लोगों को दो पॉइंट बताना चाहूँगा। आप पहले ये दो पॉइंट ठीक से सुन लो, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्लाइस कार्ड लेना चाहिए कि नहीं। नंबर वन पॉइंट है, स्लाइस एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक क्रेडिट लाइन है जो कि आपको स्लाइस कुछ NBFCs के साथ टाई अप करके आपको प्रोवाइड करवाता है। और ये होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इसका मतलब होता है कि अनसिक्योर पर्सनल लोन। तो स्लाइस कुछ NBFCs के साथ टाई अप करके आपको क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करवाता है और उसको ही आपको क्रेडिट लिमिट के तौर पर आपको देता है यूज करने के लिए। नंबर टू, स्लाइस कार्ड अगर आप लेते हो तो आपके सिविल पर दो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अकाउंट ऐड होगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अकाउंट मतलब अनसिक्योर पर्सनल लोन। तो अनसिक्योर पर्सनल लोन आपके सिविल पर जितना कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि लोन मतलब है लाइबिलिटी। आपका लाइबिलिटी जितना कम होगा आपके सिविल के लिए उतना ही अच्छा है। जैसा कि हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमारे सिविल पर एक क्रेडिट कार्ड अकाउंट ऐड होते हैं। तो अगर आप स्लाइस कार्ड लेंगे तो दो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अकाउंट मतलब दो क्रेडिट लाइन अकाउंट पर्सनल लोन अकाउंट आपके सिविल पर ऐड होगा। अगर आपको लोन नहीं चाहिए, मतलब पर्सनल लोन अगर आपको नहीं चाहिए, तो बेकार में क्या पर्सनल लोन लेना सही होता है? बिल्कुल नहीं। तो एक क्रेडिट कार्ड अकाउंट के लिए अगर आपको आपके सिविल पर दो पर्सनल लोन अकाउंट ऐड करना पड़े तो क्या वो सही डिसीजन होगा? मेरे ख्याल से सही डिसीजन नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी सही है कि अगर आपके सिविल पर पर्सनल लोन अकाउंट होगा तो आपके सिविल बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पर मेरे ख्याल से एक कार्ड के लिए दो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अकाउंट आपके सिविल पर ऐड करना वो भी सही नहीं होगा। और दोस्तों, ये सिर्फ स्लाइस कार्ड के लिए ही नहीं, अगर आप कोई भी पेलेटर अकाउंट ओपन करेंगे या फिर स्लाइस जैसा कोई भी क्रेडिट लाइन वाला कार्ड लेंगे तो ये जो दो पॉइंट है उस पर भी लागू होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन नहीं है और आपको आपके सिविल क्रेडिट स्कोर जनरेट करवाना है तो उस सिचुएशन में ये पेलेटर अकाउंट, ये क्रेडिट लाइन वाला क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही होगा, बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पेलेटर अकाउंट, क्रेडिट लाइन वाला क्रेडिट कार्ड हम लोगों को इजिली मिल जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, लोन नहीं है, उस सिचुएशन में आप ये पे लेटर अकाउंट और क्रेडिट लाइन वाला क्रेडिट कार्ड लेके अगर आप इसको थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे और टाइम पर पे करेंगे तो आपका क्रेडिट जो स्कोर होगा, क्रेडिट स्कोर वो जनरेट होगा और आपके क्रेडिट हिस्ट्री बनने में आपको हेल्प करेगा। अगर आपके पास दो तीन क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रेडिट लाइन वाला क्रेडिट कार्ड लेके आप आपके लाइबिलिटी को इंक्रीज मत कीजिए, क्योंकि क्रेडिट लाइन वाला क्रेडिट कार्ड मतलब लोन और लोन मतलब लाइबिलिटी। आप जब कोई भी नया कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक आपके क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। वो लोग देखता है कि आपके पास कितना अवेलेबल लिमिट है, कितना टोटल लिमिट आपको दिया हुआ है बैंक ने, दूसरे बैंक ने, और आपके लाइबिलिटी कितना है, लोन कितना है। तो सब कुछ देखने के बाद, आपके इनकम के साथ उसको कंपेयर करने के बाद आपको नया क्रेडिट कार्ड या फिर लोन प्रोवाइड करते हैं। पर अगर आपके लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, आपके इनकम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अगर लाइबिलिटी हो जाएगा, तब आपको फ्यूचर में लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि अगर आपके पास दो तीन क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है तो आपको क्रेडिट लाइन वाला क्रेडिट कार्ड या फिर पे लेटर अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लोन नहीं है, तो आप ये पे लेटर अकाउंट या फिर क्रेडिट लाइन वाला क्रेडिट कार्ड लेके आप आपके सिविल को, आपके क्रेडिट स्कोर को, क्रेडिट हिस्ट्री को जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, फाइनल डिसीजन आपके ऊपर है, आप खुद डिसाइड करो कि आपको स्लाइस कार्ड लेना है कि नहीं। स्लाइस का एक रेफरल प्रोग्राम है, 500 रुपीज पर रेफरल ये लोग देते हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि इसका फायदा है भी या नहीं चेक ना करके ही बोलते हैं कि आप इसके लिए साइन अप कर लो, आपको फायदा होगा। हाँ, रिसेंटली स्लाइस कार्ड ने अमेजोन पर, स्विगी पर बहुत सारे ऑफर दिया है, पर आपको ये भी सोचना है कि आपको ये ऑफर चाहिए या फिर आपके सिविल पर ये कार्ड लेने के लिए आपको दो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन अकाउंट ऐड करवाना है। आप सब कुछ देख लो,
फिर आप डिसाइड करो कि आपको ये कार लेना है कि नहीं। मैंने स्लाइस कार्ड के लिए एक बार अप्लाई किया था, मुझे अबाउट 6 लाख का लिमिट मिला था, पर मैंने इस कार्ड को बंद करवा दिया क्योंकि मेरे ख्याल से 2 लोन अकाउंट मेरे सिविल पर ऐड करना इस कार्ड के लिए सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।